देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार? बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार लोकसभा चुनाव के लिए 8 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदान किया। उनके साथ ही बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी अपना मत डाला। तेजस्वी ने अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बात की और वोटरों से बढ़कर वोट डालने की अपील की और इंडिया अलायंस की 300 सीटों पर जीत का दावा भी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई और रोजगारी को लेकर जनता वोट का चोट देगी, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता वोट करेगी। और क्या कुछ कहा है देखिए इस वीडियो में। जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें, ये अपील है लोगों से। आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या बैठक है? 3 बजे है ना आज दिल्ली में। अब मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस आ जाएंगे। आप भी दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कल दिल्ली जा रहे हैं, 4 दिन के बाद आप कह रहे थे बड़ा खेला होगा। अब उनके बारे में इतना हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हम लोगों की पहले से ही तय बैठक है। नहीं, अभी तो रिजल्ट की बात ही नहीं। फिर माहौल क्या लग रहा है? आप क्या माहौल लग रहा है? तो अंतिम है, सब कुछ हो चुका है, क्या आप लोग एक तरफा? हम लोग सरकार, हम आपको पहले भी बोले, तो बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है और हम लोग 300 पार हो रहे हैं। शुक्रिया। What kind of exit poll and whose exit poll we should believe? There are so many exit polls, right? So we should wait for the 4th June and what we have seen in ground, and we have a belief and faith in people of India that this time India Gathbandhan, India Alliance is coming to form a government on 4th June and NDA is going soon. तो आपने देखा कि किस प्रकार तेजस्वी ने कहा कि देश के लोकतंत्र की हिफाजत करने की घड़ी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोगों का मन टनाटन है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट होगा। वहीं एग्जिट पोल को लेकर तेजस्वी ने कहा कि अलग अलग एग्जिट पोल है, किस पर भरोसा करें? हमें जनता पर भरोसा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने दिल्ली जाने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज शाम 3 बजे बैठक है, बैठक में जो भी बात होगी उसकी जानकारी बैठक के बाद देंगे। तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को इस बार 300 सीटों पर सफलता मिलेगी और केंद्र में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार से भी चौंकाने वाला परिणाम सामने आने वाला है। बता दें कि तेजस्वी यादव आज इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बैठक में मतगणना से जुड़ी बारीकियों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। इस मीटिंग में गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां बैठक के बाद अपने अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना से जुड़ी बारीकियों को बताएंगी। बैठक में मतगणना के बाद बहुमत के बाद क्या और कैसे कुछ करना है इस पर भी बात होगी। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने जनता से अपील की और 300 पार का जो दावा है वो उन्होंने कर दिया, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।